राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी अर्की के प्रधानाचार्य भूपेंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी मंजूषा गुप्ता ने आज अपने दिवंगत पुत्र की 22वीं जयंती पर उनकी स्मृति में स्कूल को पानी का कूलर भेंट किया, जिसे पंडित विनोद द्वारा पूरी वैदिक रीति से माता पिता के कर कमलों से स्थापित करवाया गया। एसएमसी अध्यक्ष टेकचंद ने बताया कि इससे पूर्व 19 जून 2021 को स्वर्गीय पवन गुप्ता की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी दादी तुलसी गुप्ता ने उनकी पुण्य स्मृति में माता सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मूर्ति की स्थापना की। इसी दिन प्रधानाचार्य भूपेंद्र गुप्ता की माता तुलसी गुप्ता ने अपनी सुपुत्री व प्रधानाचार्य भूपेंद्र गुप्ता की बहन स्वर्गीय नीरा चड्ढा, पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार चड्ढा की पुण्य स्मृति में पानी का कूलर भी समर्पित किया था। मैं टेकचंद शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी, आज 1 अगस्त 2021 का दिन हमारे विद्यालय के लिए बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन श्रीमती मंजूषा गुप्ता, पत्नी श्री भूपेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी ने आज अपने दिवंगत पुत्र स्वर्गीय पवन गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी को एक कूलर भेंट किया है। इससे पहले 19 जून 2021 को इनकी प्रिंस प्रधानाचार्य महोदय की माता श्रीमती तुलसी गुप्ता जी ने स्कूल में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके लिए माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा के लिए लगभग 4 लाख रुपए का खर्च इन्होंने स्वयं किया है। और 19 तारीख के दिन ही श्रीमती तुलसी गुप्ता जी ने अपनी बेटी स्वर्गीय नीरा चड्ढा के आत्मा की शांति के लिए इस स्कूल में एक और कूलर की स्थापना करवाई है। आज हमारा विद्यालय परिसर चारों तरफ से सुरक्षित और स्वच्छ है। इस सभी कार्य की पूर्ति हेतु राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी के प्रधानाचार्य श्री भूपेंद्र गुप्ता जी ने इन विषम परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे स्कूल के लिए हर सुविधा को जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार से फंड जनरेट किए हैं अपने विभाग से और लोगों के सहयोग से, आज हमारे स्कूल में हर तरह की सुविधा, जैसे स्कूल में सैनिटाइजर और टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज हमारे इस आज 1 अगस्त को इस कूलर की स्थापना के दिन समस्त एसएमसी, समस्त इलाकावासी, सभी अध्यापक बंधु दिवंगत पवन गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके द्वारा इस स्कूल के विकास और सुरक्षा हेतु जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, आज पूरा विद्यालय परिवार, समस्त एसएमसी और समस्त इलाकावासी इनके पूरे परिवार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। एसएमसी अध्यक्ष टेकचंद एवं कार्यकारिणी, समस्त विद्यालय परिवार एवं चंडी क्षेत्र वासियों ने दिवंगत पवन गुप्ता को उसकी जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अर्की, जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए शहनाज भाटिया की रिपोर्ट।